देखो, पिछले महीने का कार सेल्स रिपोर्ट आउट हो चुका है और बहुत सारी कार कंपनियों के सेल्स में काफ़ी बड़ी गिरावट आ चुकी है और कुछ कार कंपनियां काफ़ी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रही है। इस वीडियो के अंदर मैं उन 14 कार ब्रांड्स के बारे में डिटेल में बात करूंगा जिन्होंने पिछले महीने पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा कारों को बेचा है। 14th पोजीशन पर जीप कंपनी आई है जिसके सेल्स में आपको काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिल जाएगी। लास्ट मंथ जीप कंपनी ने 558 यूनिट को बेचा है, लेकिन पिछले साल के अप्रैल में लगभग 886 यूनिट को बेचा था। तो यहाँ पर जीप कंपनी के सेल्स में आपको लगभग 37% की गिरावट देखने को मिल जाएगी, लेकिन ये गिरावट होने के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स है, बहुत सारे रीजन्स है और आज के डेट में जीप के पोर्टफोलियो में आपको काफ़ी बेहतरीन कार्स देखने को मिल जाएगी। उसके बावजूद भी जीप का सेल दिन पे दिन गिरता ही जा रहा है, लेकिन 13th पोजीशन पर सिट्रॉन कंपनी आई है जो काफ़ी इंप्रूवमेंट पे इंप्रूवमेंट कर रही है और सिट्रॉन कंपनी ने पिछले महीने 1003 कारों को बेचा है। लास्ट ईयर के अप्रैल में 51 कारों को ही बेच पाई थी सिट्रॉन कंपनी, लेकिन तब इस कार ब्रांड के पास सिर्फ एक कार थी और आज के डेट में ये कार कंपनी लगभग 3 कारों को बेच रही है। तो यहाँ पर इस कार ब्रांड के सेल्स में आपको थोड़ी सी ग्रोथ देखने को मिल जाएगी और आने वाले 1-2 महीनों के अंदर ये कार कंपनी एक न्यू SUV कार को इंडियन मार्केट में लॉन्च करेगी जिसका नाम है C3 Aircross और इस कार को क्रेटा सेल्टोस के सेगमेंट के अंदर उतारा जाएगा। शायद तब इस कार ब्रांड का सेल और भी ज्यादा इंप्रूव हो सकता है। 12th पोजीशन पर निसान कंपनी आई है और निसान ने लास्ट मंथ 2617 कारों को बेचा है और लास्ट ईयर के अप्रैल में 2110 कारों को बेचा था। हालांकि यहां पर आपको 21% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी, लेकिन ये सेल उतना भी नहीं है जितना कि ये कार ब्रांड डिजर्व करती है। खैर, 11th पोजीशन पर फोक्सवैगन कंपनी आई है और फोक्सवैगन ने लास्ट मंथ 3032 कारों को बेचा है और पिछले साल के अप्रैल में 3547 कारों को बेचा था। तो यहाँ पर फोक्सवैगन के सेल्स में आपको लगभग 15% की गिरावट देखने को मिल जाएगी। 10th नंबर पर स्कोडा आई है और स्कोडा ने लास्ट मंथ 4009 कारों को बेचा है और लास्ट ईयर के अप्रैल में 5152 यूनिट को बेचा था। तो यहाँ पर आपको स्कोडा के सेल्स में लगभग 22% की गिरावट देखने को मिल जाएगी। 9th पोजीशन पर रेनॉल्ट कंपनी आई है जिसका सेल आधा ही हो चुका है और लास्ट मंथ रेनॉल्ट कंपनी ने 4329 कारों को बेचा था, लेकिन लास्ट ईयर के मार्च में लगभग 7594 कारों को बेचा था। तो यहाँ पर आपको रेनॉल्ट के सेल्स में लगभग 43% की गिरावट देखने को मिल जाएगी और ये गिरावट आपको काफी ज्यादा देखने को मिल जाएगी। 8वें नंबर पर MG मोटर्स आई है जिसके सेल्स में आपको काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। लास्ट मंथ MG मोटर्स ने 4551 कारों को बेचा है, लेकिन लास्ट ईयर के अप्रैल में 2008 कारों को बेचा था। तो यहाँ पर आपको लगभग 126% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। 7वें नंबर पर होंडा आई है और होंडा के भी सेल्स में आपको काफी बड़ी गिरावट देखने को मिल जाएगी। होंडा के लास्ट मंथ 5313 यूनिट बिके हैं और लास्ट ईयर के अप्रैल में 7874 यूनिट बिके थे। तो यहाँ पर होंडा के सेल्स में आपको 33% की गिरावट देखने को मिल जाएगी और इस गिरावट के पीछे उन कारों का भी हाथ हो सकता है जिनको रिसेंटली होंडा ने डिसकंटिन्यू किया था। बहुत जल्दी होंडा 2 न्यू SUV कारों को इंडिया में लॉन्च करेगी जिनके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियोज बनाए हैं, लिंक आपको आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। 6th पोजीशन पर टोयोटा आई है और टोयोटा ने लास्ट मंथ 14162 कारों को बेचा है और लास्ट ईयर के अप्रैल में 15085 यूनिट को बेचा था। तो यहाँ पर 6% की गिरावट हो चुकी है, लेकिन फिर भी टोयोटा का सेल आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। 5वें नंबर पर किया आई है और किया के सेल्स में आपको थोड़ी सी ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। लास्ट मंथ किया कंपनी ने 23216 कारों को बेचा है और लास्ट ईयर के अप्रैल में लगभग 19019 कारों को बेचा था। तो यहाँ पर आपको लगभग 22% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी किया के सेल्स में। अगले 1-2 महीनों के अंदर किया कंपनी सेल्टोस का फेसलिफ्ट मॉडल इंडियन मार्केट में लॉन्च करेगी, शायद उसके बाद इस कार ब्रांड का सेल थोड़ा सा इंप्रूव हो सकता है। जैसे ही सेल्टोस का फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च होता है मैं आपको जरूर अपडेट कर दूंगा, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखना है। 14 नंबर पर महिंद्रा आई है जो कि हमेशा 4th पोजीशन पर आती है और महिंद्रा के लास्ट मंथ 34698 यूनिट बिके हैं और लास्ट ईयर के मार्च में लगभग 22526 यूनिट बिके थे। तो यहाँ पर महिंद्रा के सेल्स में आपको लगभग 54% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी और ये ग्रोथ दिन पे दिन बढ़ती ही जा रही है। महिंद्रा की कौन सी कार आपको अच्छी लगती है कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। 3rd नंबर पर टाटा मोटर्स आई है और टाटा मोटर्स के सेल्स में आपको थोड़ी सी ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। जितनी ग्रोथ टाटा मोटर्स के सेल्स में हुई है आपको हुंडई के सेल्स में देखने को मिल जाएगी। लास्ट मंथ टाटा मोटर्स के 47010 यूनिट बिके हैं पूरे इंडिया में और लास्ट ईयर के अप्रैल में 41587 यूनिट बिके थे। तो यहाँ पर आपको टाटा मोटर्स के सेल्स में लगभग 13% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी।
जाएगी और टाटा मोटर्स भी काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रही है। सेकंड पोजीशन पर हुंडई कंपनी आई है और लास्ट मंथ हुंडई कंपनी ने 49,701 कारों को बेचा है और लास्ट ईयर के अप्रैल में 44,000 कारों को बेचा था। लगभग 13% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। वही टाटा के सेल्स में 13% की ग्रोथ हो चुकी है। फर्स्ट पोजीशन पर मारुति सुजुकी आई है जो कि हमेशा फर्स्ट पोजीशन पर ही रहती है और मारुति सुजुकी ने लास्ट मंथ 1,37,320 कारों को बेचा था, लेकिन लास्ट ईयर के अप्रैल में 1,21,995 कारों को बेचा था। तो यहाँ पर आपको लगभग 12% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी मारुति सुजुकी के सेल्स में। यहाँ पर कुछ कार कंपनियां ऐसी हैं जिनके सेल्स में काफी बड़ी गिरावट आ चुकी है और कुछ कार कंपनियां ऐसी भी है जिनका सेल डायरेक्टली आधा हो चुका है, जैसे कि जीप इंडिया हो गई, इसके बाद स्कोडा हो गई, फोक्सवैगन हो गई, रेनॉल्ट कंपनी हो गई और होंडा कंपनी हो गई। तो इन सभी कार ब्रांड का सेल आपको काफी कम देखने को मिल जाएगा, लेकिन होंडा ने कुछ कारों को डिसकंटिन्यू किया था, उसी वजह से आपको होंडा का सेल थोड़ा सा कम देखने को मिल जाएगा। लेकिन आने वाले कुछ दिनों में होंडा की तरफ से भी न्यू कारों को लॉन्च किया जाना है और इस वीडियो के बाद मैं टॉप 25 मोस्ट सेलिंग कारों के ऊपर वीडियो जरूर लाऊंगा, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखना है।